सबसे पहले तो रेल मंत्रालय को धन्यवाद है, रेलवे मंत्री को धन्यवाद है, रेलवे के अधिकारियों को धन्यवाद है। ये पार्क एकदम उजड़ा हुआ स्थान था, इतना खूबसूरत यहाँ पार्क बनाया है, और क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है रेलवे कॉलोनी के कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने आज यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है, वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंदर अपना सहयोग दिया है। और मेरी यही अपेक्षा है कि क्षेत्र के लोग इस पार्क को और विकसित करने के लिए और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपना संपूर्ण इन्वॉल्वमेंट रखें और सरकार की ओर से, अपने मंत्रालयों की ओर से, हमारे एमपी डेवलपमेंट फंड की तरफ से कोई भी किसी तरह का भी यहाँ विकास फर्दर ज़रूरत होगी उसको सबको हम कराएंगे। मैं समझता हूँ कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वृक्ष ही जो है वो हमको जीवन देते हैं, जीवन की सच्चाई तो यही है, और इनकी रक्षा करना, इनको समृद्ध बनाना, इनके संरक्षण के लिए काम करना, ये एक प्रकार से ईश्वरीय कार्य है। और इस ईश्वरीय कार्य के साथ मैं समझता हूँ कि सबको मनोयोग के साथ, मन और आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए। आज बहुत पवित्र दिन है, गणेश चतुर्थी है, सारे अपने भारतवासियों को विशेष रूप से मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। भगवान गणेश जी जो है वो सद्बुद्धि के भगवान माने जाते हैं, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे सिंपल, ऐसे भगवान गणेश हैं। उनका सबको आशीर्वाद प्राप्त हो और उनसे सद्बुद्धि लेकर हम हमारे जीवन को मानव कल्याण के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, समाज धर्म के लिए समर्पित करें, यही मेरी आज के दिन सब लोगों के लिए कामना है।